मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इस इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और ब्रिटेन के 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वे यहां भारतीय प्रवासी और निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश जुटाने में लगे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपने बयानों में निवेश के साथ साथ राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर देते देखे जा रहे हैं और इसी कड़ी में वे अब विदेशी निवेशकों को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए 7 दिवसीय जर्मनी और ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटिश संसद का दौरा किया और संसद परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम हर जगह अपनी बात रखें। और मुझे इस बात का संतोष है कि आज ब्रिटेन में आए, फिर यहाँ से हम जर्मनी जाएंगे, बाकी समय मिलेगा तो और अन्य देश भी जाएंगे, लेकिन मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, इसकी सफलता भी मिल रही है। अपनी यात्रा के दौरान सीएम मोहन यादव ने लंदन में NRI समूह फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि आज भारत बदलते दौर का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, उनका काम करने का तरीका अपने आप में अलग है। कौन सा क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं? क्योंकि कुल मिलाकर के बदलते दौर में हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलता बन रही, दिन दूनी रात चौक। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है और प्रदेश में अब तक 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हो चुका है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से राज्य को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और अब आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार फरवरी में राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ब्रिटेन और जर्मनी के टूर पर है। लंदन में भारतीय निवेशकों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के फायदे गिनाए। बातचीत के दौरान मोहन यादव मेडिकल टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते भी दिखे। कार्यक्रम को लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत और मध्य प्रदेश का उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। आज भारत लंदन में सबसे बड़ा निवेशक है।